तो गाइस यार हम बैठे हैं एक्सपेरिमेंट वाले, और एक्सपेरिमेंट वालों के दिमाग में हमेशा खुरापाती ख्याल आते रहते हैं। तो हमारे पास में है ये जिप्सी का बिग स्काई शॉट, जो कि आज हम इससे खतरनाक यानी बहुत ही खुरापाती जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो है ये। तो ये वाला जो पत्थर है, आज इसको इतने बड़े पत्थर को हम इस स्काई शॉट के ऊपर इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके ऊपर रखने वाले हैं, जो कि ये पत्थर जो है ये पूरा 50 किलो के आसपास का है, जो कि मेरे से अकेले से नहीं उठेगा। आप देख सकते हैं कि इस पत्थर को आज हम इस बिग स्काई शॉट के ऊपर रखने वाले हैं। आज देखते हैं कि ये जो जिप्सी का स्काई शॉट है, क्या ये एक बड़े से पत्थर को फोड़ पाएगा या नहीं फोड़ पाएगा, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो हम रखते हैं इस पत्थर को सबसे पहले स्क्रीन शॉट के ऊपर। तो अब हम दोनों इस पत्थर को रखने वाले हैं, तो चलिए भाई। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो स्क्रीन शॉट है इस पत्थर का वजन झेल पाता है या नहीं, तो हमें पूरा सेट करना ही पड़ेगा इसको पहले। अब देखते हैं कि ये किस साइड जा रहा है। तो अभी फिलहाल ये स्थिर नहीं हुआ है और अब हो गया है ये पूरा स्थिर। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्काई शॉट है उसने इस बड़े से पत्थर का वजन पूरा झेल लिया है। तो गाइस यार इस बात पे फटाफट से एक छोटा सा लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए मैं लगाने वाला हूँ इसमें आग और देखते हैं कि क्या होता है। भागो गाइशर, आप देख सकते हैं कि एक स्काई शॉट ने इस जो बहुत भारी पत्थर था उसको किस तरीके से 3-4 हिस्सों में बांट दिया है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा पत्थर था और नीचे की ओर इस तरीके से बना दिया है, जो कि आप देख सकते हैं काला कर दिया पूरे पत्थर को। और इतना बड़ा पत्थर एक स्काई शॉट यानी बिग स्काई शॉट ने इतने बड़े पत्थर को फोड़ दिया है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाल के साथ में, तब तक के लिए बाय।